घटना स्थल पर मौजूद है, उनकी दादी हमारे साथ मौजूद है, क्या चाहती हैं आप? उससे पूछा जाए जो है कि हमारी गलती कौन सी थी या मेरे बच्चों से कौन सी परेशानी थी। अरे तूने 5,000 रुपए मांगे डिलीवरी को बच्चे के, हमने 5,000 रुपए तेरी मदद को दिए। चाय बना रही थी मेरी बहू जी, भैया चाय पी के तू जाना अपने अस्पताल। अब अस्पताल की वो कहाँ चली गई, बीबी कहाँ, बच्चे है क्या नहीं है, तू झूठ बोल के 5,000 ले गया, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। 5,000 रुपए भी ले लिए? 5,000 रुपए कहाँ का इंसाफ है कि जब दुश्मनी है हमारी। अरे कोई परिस्थिति देख के तुझे 5,000 रुपए भी दिए और मेरे बच्चे भी काट दिए। कोई लड़ाई झगड़ा भी कभी नहीं हुआ? कभी ना, बाल काटता था पैसे लेता था, तो सभी से ग्राहकी थी उसकी, दोनों चलाते थे दुकान, दोनों भाई। दोनों भाई घर पे आए थे माता जी? दोनों, एक बाइक लेके यहाँ खड़ा था, एक ऊपर गया। तो क्या ऐसा लगता है पूरे परिवार को मारने आया था वो? अंदाज यही होता है, अगर मैं मेरा जो छोटा वाला नहीं आता तो मेरी बहू को तो वो तो आ ही भाग के मारने को, ऐसे करके वो तो भाग गया ही नीचे। और इतना बड़ा चाकू जो लग रहा जल रहा था, ऐसे खड़े टपका रहा था ब्लड। फिर हमने बहू हटाई, बच्चे, अब हम तीनों लोग भागे आए, हमने गेट बंद कर लिया, हमने मोहल्ला वालों को आवाज लगाई, चौकी को फोन किया, तब पुलिस आई, तब चाकू सहित ले गई, उससे चाकू हुआ इतना बड़ा। आप क्या चाहती, क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है, उससे पहले पूछी जाए हमसे क्या दुश्मनी थी उसकी, गलत बात तो नहीं है? बिल्कुल सही कह रही है। या मेरे बच्चों से कोई दुश्मनी हो बताओ, जब तूने परेशानी बताई, 5,000 रुपए दिए इसको, दिए कि मेरे बच्चे काट दे, हमने इसको दिए तेरी परेशानी को दिए, तेरे डिलीवरी होने को हुए, तू बोला मेरे 5 बच्चे खत्म हो गए हैं इस वजह से तुझको दिए हमने, और तूने तेरे बच्चे को हमने जाने की कोशिश की और तूने मेरे बच्चे काट दिए। जरा देर में माता जी, क्या ये तांत्रिक भी था, कुछ जानकारी? हमें पता नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, और हमने तो शकल भी ना देखी। मैं तो होमगार्ड में ड्यूटी करती हूँ, 8 बजे जाती हूँ, शाम को आती हूँ। आप ही लोगों ने उनको दुकान भी खुलवाई थी, फिर भी ऐसी घटना को अंजाम दिया? किसने, हम ना खुलवाई दुकान। अच्छा, दुकान पहले से चलती थी उसकी। फिर हाँ, कॉलोनी के जितने भी लोग हैं बाल इसी से कटवाते थे, नंबर लगाता था, तो जो बच्चे हमारे जाते, भैया हमारा नंबर है, हमारा काट दो बाल, वो कहते हमारे तीनों बच्चे जाते थे मेरे बाल कटवाने। बस इतनी जानकारी थी हमारी, कोई जानकारी। कल घर पे आया तो चाय बनाने को गई थी, 5,000 रुपए भी दिए उसकी परिस्थिति देख के, कि उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती है, ये झूठ बोला, झूठ बोला, और तब तक मेरे बच्चे भी काट दिए। पहले भी क्या कभी उधार रुपए वगैरह लिए थे? उधार ना लिए, पैसे तोड़ाने को आता था तो टूटे करके दे देती थी दुकान में से, पार्लर में से। घर पे आता रहता था? नहीं, बाहर से ही, बाहर से ही, बाहर से ही। घर में नहीं, अगर कल पहली बार आया। एक आरोपी को तो पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है, क्या चाहते हैं इन लोगों के घरों पे बुलडोजर भी चले? हाँ, बात को पहले मैंने उससे पूछा जाए कि मेरी गलती क्या है, हमें तसल्ली, जब वही मेरी गलती क्या है, मेरे बच्चों की क्या गलती है, मुझसे क्या दुश्मनी है, उसके बाद उसका एनकाउंटर हो, उसे घर पर बुलडोजर जैसे मैं आज पड़क रही हूँ, तो पूरा परिवार नष्ट कर दिया जाए। तो देखा, ये माता जी हैं, दादी माँ हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है, इनका कहना है कि आखिर इनकी गलती क्या थी, इनका कसूर क्या था। इन्होंने तो 5,000 रुपए उसको और उधार दिए थे, उसकी सहायता की थी, लेकिन उस सहायता के बदले उसने इनके 2 मासूम बच्चों को काट डाला। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।